Hey everyone, welcome to Olivebord. मैं रोहित रघुवंशी, your reasoning mentor. Guys, एक बारी से ग्लूप जल्दी से बताइए, वॉइस क्लियर है प्रॉपर सारी चीजें? एक बार जल्दी से सभी लोग. एंड सभी लोग आ जाइए सभी के सभी, और एक बार प्रॉपर तरीके से एक बार बता दें कॉमेंट करके कि सब कुछ विजिबल है, प्रॉपर दिख रहा है. ठीक है, चलिए भाई, वेरी गुड आफ्टरनून. स्टार्ट करें सेशन को. एक बार ही सभी लोग जल्दी से वेरी गुड आफ्टरनून एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए आकर. ठीक है, पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता भाई इन सब चीज़ों का. ठीक है, मैं पूरा करेक्ट एक बजे से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि भाई हमारे एंड से लाइव नहीं हो पाता. एंड से हमारी टेक्निकल टीम लाइव करती है, तो तभी उसके बाद. सही है, सभी लोग जल्दी से आ जाओ भी, स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को तेजी से सभी के सभी. देखिए गाइस, 30 सितंबर से एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंप्लीट पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट. देखिए, कंप्लीट पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आपको मिल रहे हैं. ठीक है, और आप सभी जानते हैं मेरा पूरा फोकस इसी टॉपिक पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको पता है 70-80% पार्ट बैंकिंग प्रीलिम्स या मेंस की बात करें तो 70-80% आजकल पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ही पूछा जाता है. ठीक है, सो आप इसको मिस नहीं कर सकते. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो डाउट्स है या कोई क्वेरी है या फिर कहीं ना कहीं उनकी स्पीड से रिलेटेड इश्यूज सिर्फ और सिर्फ पजल से सेटिंग अरेंजमेंट में रहता है. तो क्यों ना एक ऐसा बैच ज्वाइन कर लिया जाए जो जिसमें आपको कंप्लीट तौर पर प्रीलिम्स टू मेंस, ठीक है, कंप्लीट तौर पर आपको सिखा दिया जाए, फिर आपको कभी दोबारा जरूरत ना पड़े जब तक आप बैंकिंग के एग्जामिनेशन दें. राइट, सो आज ही एनरोल करें, 30 सितंबर से बैच स्टार्ट होगा. गाइस, आप लोग सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए इस बात को. ठीक है, सो चलिए, SBI क्लर्क मेंस के भी प्रैक्टिस बैच आपका, आप जानते हैं 1 अक्टूबर से पेपर है आपका. राइट, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई 2-3 और प्रैक्टिस सेशन आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन आप सिटिंग और पजल पे तो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें. एंड इफ यू विल अप्लाई द कोड रोहित तो यू गेट 40% ऑफ. राइट गाइस, 40% ऑफ, आप समझ रहे हैं बात? तो apply the code Rohit and get 40% off on that particular batch, complete puzzles and sitting arrangement. Right, SBI clerk means practice batch, discount ke liye use code Rohit. Theek hai, so will you will get a very best. Theek hai, chaliye, SBI clerk means practice batch ye hai. Theek, chaliye abhi questions ki taraf badhe. Very good afternoon, कैसे हैं आप लोग सभी, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके. आ जाओ भी सभी लोग जल्दी. वेरी गुड नून, वेरी गुड नून. चले भाई, कम टू द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग का है आपकी स्क्रीन पर. चाइनीज कोडिंग प्रीलिम्स में चाइनीज कोडिंग ही पूछा जाएगा भाई, इसके अलावा कुछ और नहीं. प्रीलिम्स में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग ही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाएगा. राइट, सो इसको देखिए एक बार जल्दी से बताइए सभी के सभी. वेरी गुड गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून विदावती वादा. चलिए भी देखिए और एक बार शेयर भी करते रहें साथ के साथ. देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ द कोड फॉर द वर्ड टोकन्स. ठीक है, टोकन्स का आपसे पूछा गया है. आपको पता है भाई टोकन्स ये आपको गिवन है, ठीक है, और कहीं गिवन है टोकन्स, ये भी गिवन है. तो आपने देखा भाई सर, सेकेंड और फोर्थ में आपको गिवन है, सेकेंड एंड फोर्थ में आपको गिवन है. सेकेंड एंड फोर्थ में क्या कॉमन है भाई? सेकेंड एंड फोर्थ में आप कहेंगे सर सेकेंड एंड फोर्थ में पोटो भी गिवन है, तो पोटो आपको थर्ड में भी गिवन है. राइट, पोटो आपको किस में गिवन है? थर्ड में भी गिवन है. तो सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? तो आप कहेंगे सर सेकंड थर्ड फोर्थ में हमें कॉमन दिख रहा है 78, दैट मीन्स पोटो का 78, फिर उसके बाद दिख रहा है हमें 25. सो द टोकन्स कोड विल बी 25. ठीक है, 25 हमसे पूछा है अभी. इनका आपका क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा डिजिट का? डिजिट का प्रोडक्ट कितना होगा भाई? आप सभी जानते हैं डिजिट का प्रोडक्ट होगा 10, 2, 5 या 10. सो 10 ऑप्शन में नहीं है, सो ई ऑप्शन विल बी राइट, ई ऑप्शन विल बी राइट. तो जिन्होंने भी ई ऑप्शन बताया, ब्रिलियंट,
तो देखिए एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया करें। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, जो भी आपका भी आपका जो भी नंबर आया उसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट आपको बताना था। तो 25 की डिजिट्स का प्रोडक्ट आपका कितना आएगा? 10 आएगा। ऑप्शन में गिवन नहीं है, सो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। श्रीबस दास, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए सभी लोग जल्दी से, कितने लोग बना पाते हैं। अब बेटा शेयर कीजिए सभी लोग मिलकर ठीक से। देखिए भाई कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कोड फॉर द वर्ड फिचेस टोकन्स स्टॉक। भाई टोकन्स का कोड आपको पता है 25 है, ठीक है। फिंचेस का क्या होगा भाई? फिंचेस आपको फर्स्ट में दिया गया, फिंचेस आपको सेकंड में भी दिया गया, और किसी में दिया गया नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कॉमन है? आप कहेंगे सर फर्स्ट एंड सेकंड में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? 68 दिख रहा है। सो फिंचेस का क्या हो जाएगा? 68। स्टॉक का क्या होगा? स्टॉक आपको कहाँ दिख रहा है? स्टॉक आपको थर्ड में दिख रहा है। और कहीं स्टॉक आपको दिख रहा है? आप कहेंगे स्टॉक और कहीं नहीं है, लेकिन हम कहेंगे सर पोटो का हमारे पास कोड है, कोलम्बिडे का हम फर्स्ट एंड थर्ड से निकाल लेंगे, रेंस का हम सेकंड एंड थर्ड से निकाल लेंगे, राइट। सो सेकंड एंड थर्ड में क्या कॉमन है भी? इसके अलावा सेकंड एंड थर्ड में हमें क्या दिख रहा है? आप कहेंगे सर 92 दिख रहा है, राइट। 78 हमारा हो ही गया था। अब आपने देखा भी उसके अलावा फर्स्ट एंड थर्ड में क्या कॉमन है? फर्स्ट एंड थर्ड में 59, तो बचा क्या? 17। तो स्टॉक का क्या कोड हो जाएगा? 17। तो 68 25 17 68 25 17 सी ऑप्शन में गिवन है, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सी ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। कम टू द नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का बताइए आंसर सभी लोग जल्दी से, इसका बताओ भी सभी लोग जल्दी बोलिए भाई। बनाइए भाई इसको जल्दी से। 54 21 92 इसका बनाना है। 54 21 आप कहेंगे सर 54 आपको फर्स्ट में गिवन है, 21 कहीं गिवन है आपको इसमें गिवन है, 92 आपका सेकंड एंड थर्ड में। तो सेकंड एंड थर्ड में क्या हो जाएगा भाई? रेंज कॉमन हो जाएगा, राइट। 21 का क्या कहीं कॉमन है? 21 आप कहेंगे सर नहीं, लेकिन 78 25 तो कॉमन है। आप कहेंगे सर बिल्कुल कॉमन है, लेकिन आप कहेंगे सर 69 और 21 में हमें दिक्कत है। आप कहेंगे सर टोकन्स और पोटो का तो कोड हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फ्लेमिंगो और लार्क में हमें कंफर्मेशन नहीं है। तो हमने देखा भाई हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, कांट भी डिटरमाइंड भी, आइदर ए और बी भी है। हमने ए और बी की ऑप्शन की तरफ देखा, तो हमने देखा भाई क्या क्या हो सकता है। लार्क आपको दिया है ए ऑप्शन में, फ्लेमिंगो दिया है बी ऑप्शन में, दैट मीन्स आइदर बी लार्क और बी फ्लेमिंगो, आइदर बी लार्क और बी फ्लेमिंगो। रेंज आपका 92 का कन्फर्म है। अब आपने देखना है कि भाई आगे और क्या दिया गया है, आगे आपको और क्या देगा आपसे पूछा है, बताइए 54 का क्या होगा? 54, सो भाई 54 आपने देखा कि भाई आप ऑब्जर्व कीजिए इस बात को प्रॉपर तरीके से। तो आप कहेंगे सर अगर मैं देखूं तो टिट और आउल्स, लेकिन हमें कंफर्म तो होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आप कह सकते हैं कंफर्मली, आप इसका जो आंसर कहेंगे, सो यू विल से कांट बी डिटरमाइंड विल बी योर राइट आंसर, कांट बी डिटरमाइंड विल बी योर राइट आंसर। डी ऑप्शन नहीं होगा किसी भी हाल में, डी ऑप्शन नहीं होगा। अब बताता हूं उसका रीजन क्यों नहीं होगा। डी ऑप्शन जितने भी लोग बता रहे हैं गलत, जितने भी लोग बता रहे हैं। देखिए गाइस मैं आपको बताता हूं, देखिए ऑब्जर्वेशंस का क्वेश्चन है, अभी सिर्फ ऑब्जर्व करके किया जा सकता था। लार्क टिट, गाइस आप सभी को पता है कि चलिए ठीक है, मैंने मान लिया भी रेंज तो हमें कन्फर्म था, रेंज तो हमें कन्फर्म था, मैंने एग्री हूं इस बात से कि रेंज का कोड हमें कन्फर्म है 92। हमें पता चला 21 का कोड क्या है, या तो भाई आपका क्या होगा फ्लेमिंगो या लार्क। हमने मान लिया चलिए कहीं आपका लार्क है या फ्लेमिंगो है, लेकिन अगले में भी उसने आइदर वाली बात दे रखी है कि टिट या ऑल, टिट या आउल। लेकिन आप समझिए कि मान लीजिए फर्स्ट में आउल होता, सेकंड में टिट होता, या सेकंड या आपका फ्लेमिंगो ऊपर होता, नीचे आपका क्या नाम है लार्क होता, तब तो यहां कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। सो थर्ड का आपका क्या होगा? ई ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। थर्ड का आपका क्या होगा? ई ऑप्शन विल बी करेक्ट। बेटा शेयर कीजिए सभी लोग मिलकर, मैं सभी से गुजारिश करूंगा जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, अगर जो लगता है कि भी मेहनत हो रही है प्रॉपर तरीके से चार चीजें मिल रही हैं, तो एक बार सभी लोग पूरी ताकत के साथ सेशन को शेयर कीजिए। फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो का कोड हमारे पास कन्फर्मेशन नहीं था। आप कहेंगे सर कैसे? हमारे पास 21 और 69 में आपको नहीं कन्फर्म पता है कि फ्लेमिंगो का 21 है या 69, लेकिन हाँ इतना जरूर कन्फर्म है कि आइदर भी 21 और भी 69, आइदर भी 21 और भी 69, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जिन्होंने भी फोर्थ का डी बताया ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। लेकिन किसी, देखिए मुझे बताइए
आपको पहले थर्ड का आंसर करना था या फोर्थ का, इसको इसलिए बेवकूफ तो ना बनाए, ठीक है। मुझे पता है आपने थर्ड का ही डी बताया था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप थर्ड का नहीं बताएंगे, पहले तो थर्ड का ही बताएंगे ना। तो जिन्होंने भी थर्ड का आंसर गलत बताया, कोई भी, देखिए आप यहां सीखने आए हैं, आपसे गलती हो जाती कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपने ये जान, ये सोचकर जाइए कि भाई आपने कुछ सीखा तो सही ना, आपने कुछ ना कुछ सीखा तो सही ना, बस उतना ही तो मेरे लिए चाहिए। तो बस आप सीख कर जाइए, जहां भी गलतियां हो रही है उसमें अगर सुधार हो रहा है बस उतना ही काफी है। कम टू द नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी लोग जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भी क्या होगा। बनाओ भी, और देखिए लाइक नहीं कर रहे हैं सभी लोग, सेशन को लाइक भी करते रहिए सभी के सभी, सेशन को लाइक। वेरी गुड आफ्टरनून सुखचैन, वेरी गुड आफ्टरनून। बनाइए भाई जल्दी से, क्या हो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द कोड विल बी अ प्राइम नंबर, विल बी अ प्राइम नंबर, राइट। हाँ बोलिए त्रिभस दास, क्या कह रहे हैं आप। रेंस, रेंस बता रहे हैं रेंस, तो देख लेते हैं आपने बताया, हम मान लेते हैं इस बात को, देख लेते हैं एक बार चेक करके। तो रेंस आपको सेकंड एंड थर्ड में कॉमन था, सो सेकंड और थर्ड का क्या कॉमन कोड था भाई, सेकंड और थर्ड का क्या कॉमन कोड था। आप कहेंगे सर बिल्कुल सर, सेकंड एंड थर्ड का जो कॉमन कोड था वो हमारे पास कितना था, 92 था, आई थिंक 92 था ना, 92 की डिजिट का सम कितना होगा भाई, ऑब्वियसली 11, और 11 विल बी ए प्राइम नंबर, ठीक है ना। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, लेकिन बाकी का देख लीजिए। कोलंबिडे, कोलंबिडे फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन है, फर्स्ट एंड थर्ड में क्या कॉमन दिख रहा है भाई आपको, फर्स्ट एंड थर्ड में आप कहेंगे सर फर्स्ट एंड थर्ड में 59, एंड देन 59 का कॉमन आपका क्या होगा, डिजिट सम 14 होगा। स्टॉर्क, स्टॉर्क का क्या होगा भाई, स्टॉर्क का होगा भाई आपका क्या, बताइए जल्दी से, बोलो जल्दी से। आप कहेंगे सर स्टॉक का होगा 17, तो 17 के डिजिट का सम कितना होता है, 8 होता है। फिंचेस, फिंचेस का क्या होगा भाई, फिंचेस का, तो फिंचेस आपको कहीं और दिया गया, फर्स्ट एंड सेकंड में गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड में 68 कॉमन है, 8 6 14। सो भाई बिल्कुल सही बताया, जिन्होंने भी बताया सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है श्रीबस दास, ठीक है। ए नहीं सी होगा, कोलंबिडे भाई उसके डिजिट का सम जो होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए, तो क्या 9 और 5 प्राइम नंबर होगा डिजिट का सम है, उनके डिजिट का सम प्राइम नंबर थोड़ी नहीं होगा, राइट। सो भाई आपने देखा रेंस का जो था वो था 92, और 92 की डिजिट का सम कितना आएगा, 11, 9 + 2 विल यू विल गेट 11, सो 11 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गाइस, टेक अ टाइम एंड गिव मी द आंसर, जल्दी से बनाइए, आपके पास एक मिनट का समय है, बनाइए इस क्वेश्चन को सभी लोग जल्दी, राइट, बनाओ भी सभी के सभी जल्दी, बनाओ भी, सेशन को लाइक भी करते रहिए, सभी लोग सेशन को शेयर भी करते रहें सभी के सभी, ठीक है, जल्दी करो।
बनाइए सभी लोग जल्दी। देखिए देर आर 10 persons, अजय विजय जय सोनू केतन मेहुल जस्टिन जॉन तरुण एंड करण आर सिटिंग इन टू पैरेलल रो एंड फेसिंग ईच अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर राइट। रो वन एंड रो टू सच दैट रो वन इज टू द नॉर्थ ऑफ रो टू। 5 persons आर सिटिंग इन ईच रो, 5 persons आर सिटिंग इन ईच रो राइट। सो भाई रो वन क्या है, रो वन इज टू द नॉर्थ ऑफ रो टू, रो टू के आपका क्या होगा, रो वन इज टू द नॉर्थ ऑफ रूट। ठीक है भैया, क्लियर है बात, ये बोलो सभी लोग बताओ भाई। टेन वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव राइट, वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव राइट। तो भाई रो टू के नॉर्थ में कौन है, रो वन है, रो टू के नॉर्थ में रो वन है, रो टू का नॉर्थ ये रहा, रो टू के नॉर्थ में रो वन राइट। आपसे कह रहा है कि भाई हाँ, आपसे कह रहा है कि फाइव, ये तो हो गया जॉन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अजय, जॉन आपका क्या है अजय के सेकंड राइट में है। Who sit at end of the row? अजय क्या है एंड पर बैठा, अजय क्या है एंड पर बैठा। अगर मान लीजिए अजय आपका यहाँ होता तब अजय के सेकेंड राइट पे आपका क्या होता, जॉन होता। लेकिन अगर मान लीजिए अजय यहाँ होता नॉर्थ फेस कर रहा होता तब अजय के सेकेंड राइट पे जॉन। तो ये दो पॉसिबल केस बनाए, बाहर वाले की तरफ और अंदर वाले की तरफ राइट। विजय से डायगोनली अपोजिट टू अजय, अजय के डायगोनली अपोजिट यहाँ विजय हो जाएगा, अजय के डायगोनली डायगोनली अपोजिट आपका क्या होगा विजय। ठीक है, डायगोनली बाहर वाले की तरफ और अंदर वाले की तरफ, ये बात ध्यान रखिएगा। जय फेसिस द पर्सन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ विजय, जय आपका क्या है फेसिस द पर्सन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ विजय, विजय का इमीडिएट नेबर जो पर्सन है उसको जय फेस कर रहा है, विजय का जो इमीडिएट नेबर है उसको आपका जय फेस कर रहा है राइट। सोनू सिट इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द रो, सोनू आपका क्या है मिडिल ऑफ वन ऑफ द रो, सो सोनू आपका यहाँ कंफर्म हो जाएगा, इधर सोनू यहाँ कंफर्म, मिडिल आपका, मिडिल तो आपको पता ही है भाई, फाइव अगर पर्सन है तो मिडिल किसको नहीं पता होगा, ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ना पता हो। तरुण फेसेस द पर्सन हु सिट ऑन रो टू, तरुण पर्सन को फेस करता है जो सिट रो टू में बैठा है, तरुण आपका उस पर्सन को फेस कर रहा है जो रो टू में बैठा है। ठीक है, रो टू में जो पर्सन बैठा है तरुण उसको फेस कर रहा है, तरुण उसको फेस कर, ठीक है, रो टू में जो पर्सन बैठा है, ठीक है, तरुण उसको फेस कर रहा है। ठीक भाई, बट ही डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, लेकिन वो आपके एंड पर नहीं है, कोई इशू नहीं है। करण सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ केतन, ठीक है, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ तरुण, केतन के तीसरे लेफ्ट में आपका क्या है करण है, केतन का नेबर तरुण नहीं है, केतन का नेबर क्या नहीं है, तरुण नहीं है राइट, कोई इशू नहीं है भाई। केतन के तीसरे लेफ्ट में आपका क्या है भाई, केतन के तीसरे लेफ्ट में आपका कौन है करण, केतन के तीसरे लेफ्ट में आपका क्या होगा तरुण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केतन के तीसरे लेफ्ट में आपका क्या आ गया करण आ गया। ठीक, फिर आपसे कह रहा है जस्टिन सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ मेहुल, जस्टिन सिट इमीडिएट राइट ऑफ मेहुल, ठीक है, जस्टिन क्या है भाई इमीडिएट राइट में है मेहुल के, तो भाई कहाँ रख सकते हैं आप, जस्टिन सिट इमीडिएट राइट ऑफ मेहुल, तो देखिए भाई ध्यान से और बताइए मुझे एक बारी सभी के सभी।
देखो ये गलत लिख गया है, जय फेसिस द पर्सन विज एन इमीडिएट नेबर ऑफ विजय, विजय का जो नेबर है वो जय को फेस कर रहा है, विजय का जो नेबर है वो आपका क्या है, जय को फेस कर रहा है। देखो यहाँ विजय का जो नेबर है, विजय का जो नेबर है वो किसको फेस कर रहा है, जय को फेस कर रहा है। विजय का जो नेबर होगा वो जय को फेस कर रहा है, राइट। देखो ये लाइन बोली गई थी यहाँ पर, आपसे क्या कह रहा था, विजय से डायगोनली अपोजिट टू अजय, जय फेसिस द पर्सन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ विजय, विजय का जो नेबर है वो जय को फेस कर रहा है, राइट। विजय का जो नेबर होगा वो जय को फेस करेगा, ठीक है। फिर आपसे आगे क्या कह रहा था, सोनू सिट इन द मिडिल ऑफ द रो, ये भी ठीक था। और आपसे आगे बोल रहा था तरुण फेस इज द पर्सन हु सिट ऑन द रोड टू, ठीक है। तो आप कहेंगे तरुण सिट फेस इज द पर्सन हु सिट ऑन द रोड टू, ठीक है भाई। अब देखते हैं आगे, तो आप कहेंगे सर अगर मैं तरुण को यहाँ लिख देता हूँ, अगर मान लीजिए तरुण को आप यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, अगर तरुण को यहाँ लिख देते हो आप, तरुण को आपने मान लीजिए यहाँ लिख दिया कि उसने कहा था कि भी तरुण जो है वो आपका फेस इज द पर्सन हु सिट ऑन रोड टू, रोड टू के जो पर्सन बैठा है उसको फेस आपका तरुण कर रहा है। तो आपसे जो कहा है ना मेहुल के इमीडिएट राइट में, मेहुल के इमीडिएट राइट में जस्टिन यहाँ पॉसिबल है, जस्टिन आपका यहाँ पॉसिबल हो जाए, मेहुल के इमीडिएट राइट में जस्टिन यहाँ पॉसिबल हो जाए, राइट। क्लियर है बात ये। सो चलिए अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। कह रहा है कि भाई केतन हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ तरुण, केतन क्या है आपका, तरुण का इमीडिएट नेबर नहीं है, केतन तो है भी नहीं तरुण का नेबर, राइट। सो ये अंदर वाला पॉसिबल केस आपका क्या हो गया, राइट हो गया भाई। मेहुल के इमीडिएट राइट में जस्टिन, देन सोनू, तरुण, विजय, अजय, करण, जॉन, जय एंड केतन, राइट। कर लिया ये सभी ने या नहीं, बोलो सभी लोग जल्दी से बताओ भाई। ठीक है आज दे देंगे, ठीक है। पीडीएफ अगर नहीं मिला है तो भी आज मिल जाएगा आप लोगों को, पीडीएफ अगर नहीं मिला है तो आज मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ आपको, राइट, ये बात ध्यान रखना। चलिए देखें क्वेश्चन आगे, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस करण, करण किसको फेस कर रहा है अभी, करण आपका फेस कर रहा है मेहुल को, करण किसको फेस कर रहा है, मेहुल को, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन अजय एंड जय, अजय और जय के बीच में कितने पर्सन है भाई, अजय और जय के बीच में, सो अजय और जय के बीच में दो पर्सन है, अजय और जय के बीच में दो पर्सन, सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात ये। कम टू द नेक्स्ट, अब बाकी को क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए सभी लोग जल्दी से ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कह रहा है देर आर सेवन पर्सन्स, हर्षा, रूबी, श्रेया, अनीता, जेबा, तानिया, सुरभि आर गोइंग फॉर अ शॉपिंग ऑन डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो, ठीक है। कह रहा है कि भाई संडे स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंड देन सैटरडे को आपका लास्ट, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे, राइट।
देखिए भाई, सुरभि गोज फॉर अ शॉपिंग आफ्टर श्रेया। सुरभि क्या है, श्रेया के बाद में जाती है, श्रेया के बाद में, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर भी नहीं है। थ्री पर्सन गोज फॉर शॉपिंग आफ्टर सुरभि, सुरभि के बाद में कितने लोग जाते हैं, तीन लोग, ठीक है। और सुरभि और श्रेया इमीडिएट नहीं है, तो श्रेया विल बी, श्रेया कैन बी हेयर और बी हेयर, राइट भैया। तो फिर श्रेया आपको मंडे को आएगी, आपकी ट्यूसडे को आएगी, राइट। चलिए कह रहा है ओनली वन पर्सन गोज फॉर शॉपिंग इन बिटवीन हर्षा एंड रूबी, हु गोज फॉर शॉपिंग एट द लास्ट डे ऑफ द वीक। तो भाई रूबी आपका लास्ट डे ऑफ द वीक, रूबी यहाँ जाएगी, रूबी और हर्षा के बीच में एक है, रूबी आपका यहाँ, रूबी और हर्षा के बीच में एक, ठीक है, क्लियर है। ओनली वन पर्सन गोज फॉर शॉपिंग इन बिटवीन सुरभि एंड तान्या, सुरभि और तान्या के बीच में एक, तो तान्या विल बी बिलो फ्रॉम सुरभि, राइट। ऐसे ही सुरभि और तान्या के बीच में, तान्या आपका अबव भी हो सकती है, ठीक है, और तान्या आपका बिलो भी हो सकती है सुरभि से, ठीक है। आगे देखिए भी, आगे आपसे कह रहा है जेबा गोज फॉर शॉपिंग ऑन वन डे बिफोर अनीता। जेबा आपकी क्या है, जेबा आपकी अनीता से पहले जाती है, ठीक है। अनीता डज नॉट गो फॉर शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, अनीता अगर ट्यूसडे को नहीं जाती है, और आपका क्या कह रहा था भाई, आपसे कह रहा है जेबा आपका क्या है, बिफोर अनीता से पहले, ठीक है, और अनीता आपकी ट्यूसडे को नहीं, तो ये फर्स्ट पॉसिबल केस विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि भाई अगर मान लीजिए तान्या को हम फ्राइडे को रख दें, अगर मान लीजिए हम तान्या को फ्राइडे को रख दें, सो भाई आपका जेबा मंडे को आ जाएगी, ट्यूसडे को आपकी क्या जाएगी, अनीता, लेकिन अनीता ट्यूसडे को नहीं है। इसका मतलब है कि हमें तान्या को कहाँ रखना पड़ेगा, मंडे को, हमें तान्या मंडे को फिक्स कर दीजिए, फिर इसके बाद आपकी क्या आएगी, जेबा, और जेबा से पहले कौन जा रही है, अनीता, सॉरी जेबा आपकी क्या जा रही है, अनीता से पहले जा रही है, तो अनीता विल बी हियर, ठीक है। जेबा क्या है, अनीता से पहले जा रही है, ठीक है। सो मंडे को आपकी क्या है, तान्या फिक्स हो गई, मंडे को आपकी कौन हो जाएंगी, तान्या आपकी फिक्स हो जाएंगी, राइट, क्लियर बात ये, मंडे को आपकी क्या हो जाएंगी, तान्या फिक्स होगी, फ्राइडे को आपकी कौन आ जाएगी, अनीता, फ्राइडे को कौन आएगी भी, अनीता आ जाएगी, ठीक है भाई। क्या ये बात क्लियर है या नहीं, बोलो जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन गोज फॉर शॉपिंग जस्ट आफ्टर तान्या, तान्या के जस्ट आफ्टर कौन है भाई, तान्या के जस्ट आफ्टर कौन है, जेबा, तो जेबा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी पर्सन गो फॉर शॉपिंग बिटवीन अनीता एंड जेबा, अनीता और जेबा के बीच में भी कितने हैं, अनीता और जेबा के बीच, तो अनीता और जेबा के बीच में कितने जा रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं, राइट, सो टू, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट, आ जाइए भाई सिलोजिज्म के क्वेश्चंस पर चलते हैं, देखिए जल्दी से ध्यान से भी, सिलोजिज्म के क्वेश्चंस पर आ जाइए सभी लोग, बनाइए एक बार सभी लोग जल्दी से, बनाइए भी सभी के सभी, बनाओ भाई। देखिए सिलोजिज्म ही एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जो आपको मोस्टली हर एक एग्जामिनेशन में, आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाता है, ठीक है। सिलोजिज्म आपके क्वेश्चंस 3 to 5 क्वेश्चंस आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे आपकी शिफ्ट में, राइट। सो इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है किसी भी हाल में, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहे हैं कि एयर का कुछ पार्ट आपका किसके अंदर है, हॉट के अंदर है, ऑल वेदर इज हॉट, सम वेदर इज कोल्ड, राइट। कह रहे हैं कि ऑल एयर आर वेदर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एयर, तो भाई एयर और वेदर के बीच में डायरेक्ट तो रिलेशन है नहीं, सो पॉसिबिलिटी में हो सकता है, हो सकता है सारा एयर आपका वेदर हो जाने की संभावना हो। कह रहे हैं सम कोल्ड इज एयर, आप कहेंगे सर कोल्ड और डायरेक्ट एयर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, सो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, सो दिस विल बी रॉन्ग। कह रहे हैं ऑल कोल्ड कैन बी हॉट, ऑल कोल्ड कैन बी हॉट, वी आर श्योर कोल्ड सारा हॉट होने की पॉसिबिलिटी है, सो दिस विल ऑल्सो बी राइट, राइट। तो आपका क्या होगा भी इसका, फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो विल बी योर राइट, क्या ये बात क्लियर या नहीं, बोलो जल्दी से सभी के सभी, अरे बताइए सभी लोग जल्दी से,
बताओ भी। हाँ बताइए। चलिए तो इसको देखिए, ओनली हॉर्स इज कैट, ओनली का मतलब आप समझते हैं कि ओनली क्या है, रिवर्स ऑफ ऑल। सो ऑल कैट आर हॉर्स, सम काउ इज हॉर्स, और कोई भी माइस आपका क्या नहीं होगा, काउ नहीं होगा। आपसे कह रहे हैं ऑल काउ कैन बी हॉट, सॉरी ऑल काउ कैन बी कैट। तो आप सभी जानते हैं भी कैट का कोई भी पार्ट हॉर्स के अलावा किसी और को नहीं हो सकता। तो आपसे कह रहे हैं काउ सारा पॉसिबल है कैट, तो आप कहेंगे सर कभी भी नहीं। कह रहे हैं नो माइस इज अ हॉर्स, माइस का कोई भी हिस्सा हॉर्स में नहीं है। आप कहेंगे सर माइस का कोई भी हिस्सा हॉर्स में नहीं है, इसके बारे में हम श्योर नहीं कह सकते। आप कहेंगे सर कहते कि माइस का कुछ पार्ट हॉर्स में पॉसिबल है जाना, तो हाउ यू कैन से सो दिस विल ऑल्सो बी रॉन्ग। कह रहे हैं सम हॉर्स इज नॉट माइस, आपसे कह रहे हैं हॉर्स का कुछ ऐसा पार्ट है जो माइस में नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। आप सभी जानते हैं कि जितना पार्ट हॉर्स का काउ के अंदर है, वो पार्ट आपका कभी भी क्या नहीं होगा, माइस नहीं होगा। इसीलिए ये बात आपकी क्या होगी, राइट होगी। इसीलिए ऑल काउ कैन बी, अबे ये सही मतलब ये कभी नहीं हो सकता। हाँ ये गलत बिल्कुल, ठीक है ठीक है। तो आपका क्या होगा, ओनली थर्ड विल बी करेक्ट, ओनली थर्ड विल बी योर राइट आंसर। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना बोलो। ठीक है कम टू द नेक्स्ट गाइस, एक बार शेयर भी कीजिए सभी लोग मिलकर ना, सभी के सभी शेयर करो ठीक से, लगाइए पूरी ताकत के साथ, एक बार शेयर कीजिए सभी लोग जल्दी से। ओनली अ फ्यू बुक्स आर पेन, बुक्स का केवल कुछ ही पार्ट आपका पेन के अंदर है, लेकिन कुछ ऐसा भी पार्ट है बुक्स का जो पेन में नहीं होगा। कोई भी पेन आपका पेंसिल नहीं होगा। ऑल पेंसिल इज कलर, ठीक है क्लियर बात ये। सो चलिए आपसे कह रहे हैं सम बुक आर नॉट पेन, बुक का कुछ पार्ट ऐसा है जो पेन में नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। बुक का कुछ ऐसा पार्ट है जो पेन में है, लेकिन सम पार्ट ऑफ बुक इज नॉट इन पेन, राइट। क्योंकि आप सभी जानते हैं ओनली फ्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, सम प्लस सम नॉट को। ओनली फ्यू रिप्रेजेंट फॉर सम प्लस सम नॉट, राइट। सो सम में भी बात राइट होगी और सम नॉट में भी। सम में बात राइट है कि बुक का कुछ पार्ट पेन में है, लेकिन सम नॉट में भी बात राइट होगी कि बुक का कुछ ऐसा भी पार्ट है जो पेन में नहीं है। सो दिस विल बी योर राइट। कह रहे कि कोई भी पार्ट पेन का कलर नहीं होगा। आप कहेंगे सर पेन का कोई भी पार्ट कलर नहीं होगा क्या, तो आपने देखा भी पेन का कोई भी पार्ट पेंसिल में नहीं है। आपसे कह रहे हैं कोई भी पेन आपका कलर नहीं होगा, सो आप कहेंगे सर दिस विल नॉट बी हैपन। आप कहेंगे पेन का कुछ पार्ट, अगर हम कलर को पॉसिबली कराएं कि पेन का कुछ पार्ट क्या पॉसिबल है कलर में, सो पॉसिबल है। जब पेन का कुछ पार्ट कलर में पॉसिबल है, सो हाउ यू कैन से कि भी कोई भी पार्ट पेन का कलर नहीं होगा, इसमें कहेंगे कि वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, वी आर नॉट श्योर। ऑल बुक आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, सारा बुक आपका पेन पॉसिबल है। आप कहेंगे सर बुक का कुछ ऐसा भी पार्ट है जो कभी भी पेन नहीं होगा, तो बुक का कुछ ऐसा पार्ट है जो पेन में नहीं होगा, इस वजह से सारे बुक के पेन होने की संभावना आपकी कैसे हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ओनली फर्स्ट विल बी राइट, ओनली फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना बोलो, बताइए। कम टू द नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को बनाइए सभी के सभी जल्दी से, इस क्वेश्चन को बनाइए भी सभी लोग जल्दी। इसको देख, ऑल वन इज टू, ओनली अ फ्यू टू इज फोर, टू का कुछ ऐसा पार्ट है जो फोर में, लेकिन कुछ ऐसा भी पार्ट है जो फोर में नहीं हो। सम फोर इज सिक्स, फोर का कुछ ऐसा पार्ट है जो सिक्स में है, राइट।
आपसे कह रहे हैं सम फोर इज टू, तो आप कहेंगे सर फोर का कुछ पार्ट ऐसा है जो टू में, बिल्कुल सही बात है, राइट। तो कह रहे हैं कि ऑल सिक्स कैन बी फोर, या बिल्कुल सिक्स का कंप्लीट पार्ट आपका फोर पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल ही है। आप सभी जानते हैं कि सिक्स का कुछ पार्ट तो फोर में है, लेकिन रेस्ट पार्ट ऑफ सिक्स कैन बी फोर, राइट। वो कैन बी और कैन नॉट बी, वो हो भी सकता है और नहीं भी। तो जब आपको ऐसी बातें आए कि भी वो पॉसिबल भी है, तो आप क्या कहेंगे, सारा पार्ट हो सकता है पॉसिबली। ऑल टू कैन बी वन, क्या सारा टू पॉसिबल है वन, या बिल्कुल श्योर टू सारा आपका क्या है भाई, ऐसा हो सकता है कि भी टू सारा क्या हो जाए, वन हो जाए, ठीक है, मतलब इस तरीके से टू वन, ठीक है ना, क्लियर है बात। ये टू और वन एक साथ हो जाए, सारा का सारा टू आपका क्या हो जाए, वन हो जाए। तो दिस विल ऑल्सो बी राइट। तो भाई क्या हो जाएगा, ऑल फॉलोज विल बी करेक्ट, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए भी सभी लोग जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ भी सभी के सभी जल्दी। कह रहा है कि कोई भी शुगर आपका टी नहीं होगा, शुगर का कोई भी पार्ट आपका क्या नहीं होगा, टी नहीं होगा, सारा कॉफी क्या है, टी है, और सम टी इज ब्लैक, सम टी इज ब्लैक, ठीक है। चलिए, तो आपसे कह रहा है सम कॉफी इज ब्लैक, सम कॉफी इज ब्लैक, तो आप कहेंगे सर कॉफी का कुछ पार्ट ब्लैक है, आप कहेंगे सर कंफर्म नहीं कह सकते इसके बारे में। कह रहा है कोई भी शुगर कॉफी नहीं है, कोई भी शुगर कॉफी नहीं है, या बिल्कुल राइट, शुगर का कोई भी पार्ट कॉफी में नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आपको मना कर दिया गया कि कोई भी पार्ट शुगर का टी नहीं होगा। जब बाहर से मना कर दिया गया, सो उसके अंदर जो भी पर्सन होगा, जो भी होगा, वो उसके पास नहीं जा सकता, राइट। सो दिस विल बी राइट। कह रहा है ऑल ब्लैक कैन बी टी, सारा ब्लैक आपका टी हो सकता है क्या, कोई इशू नहीं है, सारा ब्लैक टी पॉसिबल है, राइट। सो दिस विल बी राइट। सो बोथ सेकेंड एंड थर्ड विल बी फॉलो, बोथ सेकेंड एंड थर्ड विल फॉलो, क्लियर है बात। ये सी एंड डी, शुभम यादव, वेरी गुड वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को बनाइए सभी के सभी जल्दी से, इस क्वेश्चन को बनाइए सभी के सभी जल्दी। क्या बनेगा भाई, बनाओ भी जल्दी से। देखिए क्या कह रहे हैं, 10 बॉक्सेस एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर केप्ट वन अबव द अनदर इन अ सिंगल स्टैक, थ्री बॉक्सेस आर देयर बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, राइट। पी और डब्ल्यू के बीच में कितने हैं, तीन हैं। ओ इज टू बॉक्सेस अबव डब्ल्यू, अगर टू बॉक्सेस अबव का मतलब है कि ओ और डब्ल्यू के बीच में कितने होंगे, एक बॉक्स होगा और ओ आपका डब्ल्यू से अबव होगा, राइट। टी इज केप्ट थ्री बॉक्सेस अबव द बॉक्स विच इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड डब्ल्यू। टी क्या है, टी आपका क्या है, थ्री बॉक्सेस अबव द बॉक्स विच इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड डब्ल्यू। पी और डब्ल्यू के एग्जैक्टली बिटवीन जो भी है, ठीक है, वो आपका क्या है, थ्री बॉक्सेस अबव, दैट मीन्स उनके बीच में कितना होगा, टू हो, दो होंगे। टी और पी और डब्ल्यू के एग्जैक्टली बिटवीन जो होगा, उनके बीच में कितने बॉक्स होंगे, दो बॉक्स होंगे, राइट। टू बॉक्सेस आर देयर बिटवीन टी एंड बॉक्स एस, टी और एस के बीच में दो बॉक्सेस हैं, एस विच इज टू बॉक्सेस अबव बी, ठीक है। टू बॉक्सेस अबव का मतलब है कि एस और वी के बीच में आपका क्या है, एस आपका अबव होगा वी से, ठीक है। चलिए, ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच में क्या है, एक बॉक्स है, और यू विच इज केप्ट टू बॉक्सेस बिलो आर, दैट मीन्स उनके बीच में क्या होगा, एक बॉक्स, और यू आपका क्या होगा, आर से बिलो होगा, ठीक है भैया, क्या ये बात क्लियर है, राइट। सो भाई डब्ल्यू और पी के बीच में कितने हैं, तीन है, एक दो तीन, पी आपका अबव भी हो सकता है, बिलो भी, पी आपका अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है, राइट। तो हमने क्या किया, डब्ल्यू वन टू थ्री पी, डब्ल्यू के अबव भी हो सकता है पी, वन टू थ्री पी, राइट। आपसे कह रहा है पी और डब्ल्यू के एग्जैक्टली बीच में जो है, एग्जैक्टली बीच में जो होगा वो ये होगा, एग्जैक्टली बीच में, उससे थ्री बॉक्सेस अबव, दैट मीन्स उनके बीच में क्या है, इससे दो बॉक्सेस अबव आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसी प्रकार से पी और डब्ल्यू के एग्जैक्टली बीच में, इससे टू बॉक्सेस अबव आपका क्या होगा, टी हो। टी और एस के बीच में कितना है, दो है, टी और एस के बीच में क्या है, दो। अगर आपने दो छोड़कर अगर एस को रखा, अगर आपने टी के दो छोड़कर आपने एस को नीचे रखा, तो एस विल बी हेयर, और एस क्या है, वी से वन बॉक्स प्लेस है अबव, तो आपका पी ऑलरेडी आ जाएगा, तो बात पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि टी और एस के बीच में हमने एस को ऊपर रखा और एस आपका अबव है वी से, यहाँ पर वह पॉसिबल। इसी प्रकार से यहाँ भी ये सेम बात हो जाएगी। तो अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ,
तो भाई TP1 2 3 W, एक दो S आपका यहाँ और S और V के बीच में ही आपका। टोटल बॉक्सेस आपके पास कितने हैं? 10 हैं। तो 2 4 6 8 9 ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी पॉसिबल है। इसी प्रकार से 2 4 6 8 9 ऊपर भी पॉसिबल है और नीचे भी। O और W के बीच में एक है तो नीचे तो हो नहीं सकता, तो O ऊपर ही होगा। O और W के बीच में O आपका नीचे ही आएगा, ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं। राइट, क्लियर है बात ये। सो भाई लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ तो O आपका ऊपर आ रहा है, O इस टू बॉक्सेस है, तो ये बात आपकी कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये वाला पॉसिबल केस आपका कैसा हो जाएगा? गलत। अब आपसे आगे क्या कह रहा है भाई, आगे आपसे क्या बोल रहा है? आगे आपसे कह रहा है कि भाई ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है, क्यू और यू के बीच में एक बॉक्स, ठीक है। और आपने क्या करना है भाई, देखिए क्या करना है, अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, क्यू को नीचे रखा डब्ल्यू से, ठीक है, ऊपर मैंने रखा यू को, क्यू और यू के बीच में एक बॉक्स है, ओनली वन बॉक्स बिटवीन क्यू एंड यू, यू विच इज टू बॉक्स बिलो आर, टू बॉक्स बिलो का मतलब है यू और आर के बीच में एक बॉक्स हो। तो भाई अब हमारे पास टोटल 10 बॉक्स हो गए हैं, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी हमारे पास कौन बचा है? आप कहेंगे सर हमारे पास n बच रहा है, सो n विल बी हेयर, n विल बी हेयर। तो भाई क्लियर है बात ये सभी को? ये सभी ने बना लिया या नहीं बताइए एक बार कमेंट करके मुझे, सभी लोग जल्दी से एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ सर बना लिया सभी लोग, जल्दी से बताओ भाई। बना लिया? बना लिया अभी या नहीं बताइए जल्दी से। चलिए तो गाइस देखिए, द नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट अबव पी इज सेम एज द बॉक्स बिटवीन, द नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट अबव पी, पी से अबव कितने भी, पी से अबव कितने हैं 1 2 3 4, पी से अबव कितने हैं 4 हैं। तो आपसे कह रहा है क्यू और टी के बीच में भी 4 होने चाहिए, क्या क्यू और टी के बीच में 4 2 4 नहीं, क्यू और टी के बीच में कितने 5 हैं, आर और डब्ल्यू के बीच में है क्या इतने? आप कहेंगे सर आर और डब्ल्यू के बीच में 2 हैं, सो ये विल बी नहीं होगा आपका। कह रहे हैं एस और ओ के बीच में, S और O के बीच में भी 2 4 5 नहीं, ये भी नहीं, V और U के बीच में पॉसिबल है, V और U के बीच में 2 और 4, या V और U के बीच में 4 होंगे। सो जितने बॉक्स P से अबव हैं, तो P से अबव कितने हैं 4 हैं, तो V और U के बीच में भी आपके कितने हैं 4 ही हैं, तो इसीलिए D ऑप्शन विल बी राइट। D ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि भी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे and hence form a group which is one that does not belong to the group, N S W O, so N S आपका neighbor है, W O एक आपका छोड़कर, एक element छोड़कर, R P, R P आपने देखा भी, R P, R P को देखिए एक बार, R P neighbor है, बस आपके समझ आ जाएगा। T V, T V भी आपका neighbor है, that means W और O आपका क्या होगा? Odd होगा, क्योंकि एन एस नेबर, आर पी नेबर, टी वी नेबर, सो डब्ल्यू ओ के बीच में क्या है? एक एलिमेंट है, तो भाई यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। सो इसीलिए बी ऑप्शन विल बी राइट, बी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है बात ये? चलिए गाइस इसको बनाइए सभी लोग जल्दी से। इसको बनाओ भी सभी लोग जल्दी से। देखिए इसको ध्यान से, सर्टेन नंबर ऑफ persons आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ईच पर्सन लाइक डिफरेंट एनिमल्स, 4 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड द पर्सन हु लाइक एलिफेंट, जे और एलिफेंट के बीच में कितने 4 पर्सन है, राइट right?
कह रहा है टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एलिफेंट। टी आपका क्या है, सेकंड लेफ्ट है आपका किसके, एलिफेंट के, राइट। तो कह रहा है कि भाई आपसे एल सिट सेकंड राइट ऑफ जे, ठीक। डी आपका क्या पसंद करता है, वॉल्फ को पसंद करता है, एंड एडजेसेंट किसके है, एन के, ठीक है। द पर्सन हु सिट लाइक डियर थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, टी के तीसरे लेफ्ट में है। तो मैंने मान लिया टी के तीसरे लेफ्ट में आपका क्या है, डियर है, ठीक है भाई, ठीक है। टी के तीसरे लेफ्ट में आपका क्या है, डियर, ठीक। और आपसे कह रहा है एलिफेंट के सेकंड लेफ्ट में आपका क्या हो गया, एलिफेंट के सेकंड लेफ्ट में आपका क्या है, टी है। एलिफेंट और जे के बीच में चार हैं, तो भाई अगर लेफ्ट में देखोगे 1 2 3 4, तो डी आपका 1 2 3 4, आपका जे यहाँ भी हो सकता है, अगर मान लीजिए ऐसा ना होता तब, ऐसा नहीं होता तब, तो एलिफेंट के राइट में लेते हम, एलिफेंट के राइट में लेते, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। जे के सेकंड राइट में आपका क्या हो गया, एल हो गया। जे के सेकंड राइट में आपका क्या हो गया, एल हो गया, राइट। क्लियर है बात ये। आगे आपसे क्या कह रहा है, द पर्सन हु लाइक डियर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के तीसरे लेफ्ट में आपका डियर ये हो गया था। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड वन हु लाइक ओ, ओ हु लाइक कैट, जे और ओ के बीच में एक है, तो भाई ऑब्वियसली जे के लेफ्ट में ही होगा एक ओ, और क्या कर रहा है, वो कैट पसंद कर रहा है। जे और ओ के, जे के लेफ्ट में ओ और कैट, कैट है ना, कैट पसंद कर रहा है, राइट। आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि भी द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट बिटवीन एन एंड टी, एन और टी के बीच में जितने पर्सन है वो क्या है, ट्वाइस है, बिटवीन ओ एंड एल। एन और टी के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो ओ और एल के बीच में से जो पर्सन होंगे वो उनसे ट्वाइस होंगे। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट पॉसिबल केस में ओ और एल के बीच में कितने हैं, थ्री, तो थ्री का टू टाइम कितना हो जाएगा, सिक्स। तो भाई आपके कितने होने चाहिए, टी और एन के बीच में सिक्स होने चाहिए। तो भाई 1 2 3 4 5 आपका लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी। इधर देखोगे ओ और एल के बीच में भी थ्री है, तो भैया सिक्स होने चाहिए। तो अगर टी के राइट में 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी आपका क्या है, जे है, तो भाई टी के राइट में ना होकर टी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 एन आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर एन क्या है, डी वॉल्फ के आपका क्या है, एडजेसेंट है, डी लाइक्स वॉल्फ और उसके क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा, उसके क्या होगा भाई, एडजेसेंट होगा, राइट। क्लियर बात ये, बात क्लियर है या नहीं बोलो सर जल्दी से, आप कहेंगे सर क्लियर बात ये, ठीक है। अब एन एडजेसेंट है डी के, तो डी आपका हो सकता है लेफ्ट में भी राइट में भी, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। सो आपसे कह रहा है एन लाइक टाइगर, एन आपका क्या पसंद करता है, टाइगर को पसंद करता है, ठीक है। एंड सिट एट वन ऑफ द एंड, और एंड जो है वो किसी एंड पर है, तो एंड टाइगर पसंद करता है और एंड पे है, तो डी आपका यहाँ हो जाएगा, डी वॉल्फ, एंड के राइट में, एंड के इमीडिएट राइट में, ठीक है। अब आपने देखा भी कहाँ हो सकता है, इधर देखेंगे तो अभी लेफ्ट और राइट कहीं भी हो सकता है, इसको थोड़ा रखते हैं होल्ड पे, ठीक है। फिर कह रहा है कि भाई एम सिट थर्ड फ्रॉम ओ, एम सिट थर्ड फ्रॉम ओ एंड लाइक्स लो एन, तो भाई ओ के आप अगर थर्ड में देखते हैं तो आप कहेंगे ऑलरेडी एलिफेंट है, तो ओ के थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, ओ, और आपका क्या होगा यहाँ पे, ओ सॉरी एम, और एम आपका क्या, लायन, राइट। इधर आप देखा भाई ओ के क्या बोल रहा है, वो ओ के थर्ड में, ओ के थर्ड में आपका क्या है, एम आपका क्या पसंद कर रहा है, लायन, ठीक है भैया, लायन पसंद कर रहा है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ एम सिट थर्ड फ्रॉम ओ, एम सिट थर्ड फ्रॉम ओ, तो एम और ओ के बीच में कितने हैं, दो हैं, ठीक है। वो आपका एम क्या पसंद कर रहा है, लाइन पसंद कर रहा है, ठीक है भाई। नाइदर एल नॉर जे सिट एडजेसेंट टू एम, एल और जे एडजेसेंट नहीं है एम के, तो भाई इस बात को हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमने एलिफेंट को यहाँ लिख लिया, ध्यान रखिएगा, एलिफेंट के बाद में हमने टी को यहाँ लिखा, टी के बाद में एल, एल के बाद में एक छोड़कर जे, जे के बाद एक छोड़कर ओ, वो आपका क्या है, कैट। तो भाई इस वाले फर्स्ट पॉसिबल केस को हमने हटा दिया, फर्स्ट पॉसिबल केस को हमने क्या किया, हटा दिया, क्योंकि उसमें हमारे पास स्पेस नहीं था ना, हमारे पास स्पेस नहीं था, तो इसलिए हमने इसको हटाना पड़ा, राइट। तो ओ क्या है, कैट है, ओ और एम के बीच में, ओ के लेफ्ट में एम होगा, क्योंकि राइट में आपका हुआ तो इसका मतलब साफ हो जाएगा, क्योंकि भी उनका क्या होगा, पड़ोसी, एल और जे का क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा,
लेकिन अगर यहां देखोगे आप सेकंड पॉसिबल केस में आपका एम लाइन एल और जे का पड़ोसी है, सो सेकंड पॉसिबल केस विल बी रॉन्ग, सेकंड पॉसिबल केस विल बी रॉन्ग। फिर आपने देखा था भाई टी जे और आपसे क्या कह रहा था, ओ और एल के बीच में कितने हैं, तीन है, ओ और एल के बीच में कितने, तीन, तो टी और एन के बीच में सिक्स, तो अगर लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 यहां पर आप आ सकता था, लेकिन अगर आप टी के लेफ्ट में लिखोगे तो भाई एन आपका आपका एक्सट्रीम एंड पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे इमीडिएट लेफ्ट में आपका एम है, तो कभी भी इसलिए टी के लेफ्ट में नहीं, टी के राइट में ले जाएंगे 6 2 3 4 5 6 एन, और एन आपका क्या था, एन के इमीडिएट उसमें डी वॉल्व, एन लाइक टाइगर, ठीक है भैया, क्लियर है बात ये। आगे आपसे क्या कह रहा है, द पर्सन हु लाइक चीता सिट एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एम, डी और एम के एग्जैक्टली बीच में है चीता, तो भाई आपने देखा कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 का मतलब है कि एम के राइट से सेवंथ गिन लो या डी के लेफ्ट से, तो डी के लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, सो एल विल भी क्या हो जाएगा, एल आपका क्या हो जाएगा, चीता हो जाएगा, एल आपका क्या हो जाएगा, चीता हो जाएगा, राइट। सो आपका ये क्वेश्चन आपका कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन आपका कैसा हो जाएगा भाई, कंप्लीट कर लिया सभी ने या नहीं बताओ मुझे एक बार कमेंट करके, डन, शुभम यादव डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अरे कर लिया या नहीं, ठीक है इसको हटा देंगे भी, ठीक है बोलो बोलो कर लिया सभी ने या नहीं किया, चलिए भाई देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, अगर आपसे कोई पूछता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन के केस में मुझे ये बताइए, क्या आपको ये पता है कि भी एम के लेफ्ट में कितने पर्सन है या एम एक्सट्रीम एंड पर है, आपसे बोला गया था कि एम एक्सट्रीम एंड पर है, क्या आपसे ये बात कही गई थी, हाँ या ना, एम के एक्सट्रीम एंड होने पर पूछा गया था आपसे, बोला गया था या नहीं, बोलिए एक बार सभी लोग जल्दी से, ठीक है बताओ भाई, क्या एक्सट्रीम एंड पर बोला गया था कि एम एक्सट्रीम एंड पर है, हाँ या ना, अगर ऐसा बोला गया है तो मुझे बताइए एक बार कमेंट करके कि सर हाँ एम एक्सट्रीम एंड पर बोला गया है हमसे, बोलो सभी लोग, बोला गया है ऐसा, नहीं ना, नहीं ना, तो अब से कह रहे हैं हु सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ जे, जे के फिफ्थ राइट में कौन है भाई, जे 1 2 3 4 फिफ्थ राइट में एलिफेंट, फिफ्थ राइट में आपका क्या है, एलिफेंट, तो आपका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कह रहे हैं हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड द वन हु लाइक टाइगर, और टाइगर के बीच में एग्जैक्टली कौन है भी, ओ और टाइगर के बीच में, सो टाइगर और ओ के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दैट मींस उसका क्या होगा भी, एन के सिक्स्थ से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 सो आपका क्या हो जाएगा, इसका कह रहा है कि भी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के इमीडिएट लेफ्ट में है क्या, नहीं, टी के इमीडिएट राइट में है, डी के थर्ड लेफ्ट में, डी के थर्ड लेफ्ट में भी नहीं है, जे के फोर्थ राइट में 1 2 3 हाँ जे के फोर्थ राइट में है, जे के फोर्थ राइट में बिल्कुल सही हो जाएगा, जे के फोर्थ राइट में बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट, क्या ये बात क्लियर है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जब आपसे नहीं बोला गया तो फिर क्यों कैसे कह सकते हो आप, बताइए मुझे ये बताइए कि सर हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर आपसे कहा जाता तभी तो कह पाते उस केस में, अगर आपसे कहता कि भाई एम के राइट में एक पर्सन है या एम एक्सट्रीम एंड पर है या एम के लेफ्ट में आपके एक या दो पर्सन है, जब आपसे कहता तभी आप कह पाते, तभी आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन बता पाते, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिर्फ हम इसलिए नहीं बता पाएंगे, रीजन क्योंकि हमें इसके लेफ्ट एंड का पता नहीं है, हमें राइट एंड का तो कंफर्म है कि एन आपका राइट एंड पे होगा, एन का तो हमें कंफर्म है कि एन राइट एंड पे होगा, लेकिन लेफ्ट एंड का क्या, और जब तक लेफ्ट एंड नहीं देन हाउ वी कैन से, राइट, तो सबसे पहले हमें लेफ्ट एंड का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, हमें लेफ्ट एंड का पता होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सो गाइस आज के लिए सेशन को इतना ही रखेंगे, कोई डाउट कोई बात किसी को भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, लेकिन सेशन को थोड़ा सा शेयर कीजिए, अदरवाइज मैं सेशन को बंद भी कर दूंगा क्योंकि फायदा ही नहीं है कुछ इस बात का, क्योंकि देखिए आप
इवन अब मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है एसी, फिर भी उसके बावजूद पसीनों में भी मैं होने के बावजूद आपकी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इस बात को कि एफर्ट अगर टीचर सिर्फ आप लोगों के लिए, इससे मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं लेकिन आपको जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आप जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और अभी एक मैंने मोटिवेशन डाला है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, जो भी सेशन को अभी देख रहे हैं मैंने एक मोटिवेशन वीडियो डाली है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। 1 मिनट की वीडियो, इसको प्रॉपर देख के जब भी लोग आप आ जाइएगा, ठीक है। और इसको हो सके सभी के सभी सेशन को शेयर कीजिएगा, देखिए मैक्सिमम लोगों तक रीच तभी पहुंच पाती है जब आप इस सेशन को शेयर करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे तभी ये आगे भी चीज़ें और ज़्यादा अपने आप जाएंगी। फिर जाएंगी क्यों अपने आप? क्योंकि यूट्यूब फिर ऑटोमेटिकली खुद रिकमेंड करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि कहीं ना कहीं खुद जा रही है वीडियो मैक्सिमम लोगों तक, तो ऑब्वियसली इस वीडियो को थोड़ा सा और मैं भी थोड़ा हेल्प करता हूँ पहुँचाने में, देन तब यूट्यूब भी फिर हेल्प करता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपके एफर्ट की, कि आप भी एफर्ट लगाइए, इस वीडियो को थोड़ा आगे तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।